ब्रांड पोजिशनिंग का मतलब क्या होता है? ब्रांड पोजिशनिंग का मतलब है वो सारे एफर्ट्स जो आप करते हो अपने प्रोडक्ट को, अपने ब्रांड को दूसरे प्रोडक्ट, दूसरे बाकी के सारे कंपटीशन से अलग करने के लिए, जिससे आपका कस्टमर ना आपके प्रोडक्ट को पहचाने बल्कि उससे एक कनेक्ट भी क्रिएट कर सके। ब्रांड पोजिशनिंग का मतलब सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करना नहीं होता, बल्कि कंपनीज ब्रांड पोजिशनिंग करती हैं ताकि अपने कस्टमर के दिमाग में उनकी जिंदगी से एक कनेक्ट बना सकें, जिससे जब भी कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट फीचर या कैरेक्टरिस्टिक की बात हो तो आपके प्रोडक्ट का, आपके ब्रांड का नाम ही दिमाग में आए। एग्जाम्पल के लिए एप्पल के जो आईफोन्स आते हैं वो सबको पता है कि महंगे होते हैं, इसीलिए एप्पल कंपनी जब भी अपने फोन्स को पोजिशन करती है मार्केट में तो प्राइस ज्यादा हाईलाइट नहीं करती, वो हाईलाइट करती है उसकी दूसरी वैल्यू प्रोपोजिशंस, जैसे कि उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, स्क्रीन कितनी अच्छी है, डिजाइन कितना अच्छा है, कैमरा कितना अच्छा है, ये सब चीजें हाईलाइट होती हैं और यही इंप्रेशन कस्टमर्स के दिमाग में ज्यादा लंबा रहता है। एप्पल आईफोन खरीदने वाले पैसे की परवाह नहीं करते, वो आईफोन ही लेते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर कोई सस्ते फोन बनाने वाली कंपनी है, आप रेडमी के जो 10-12 हजार के फोन आते हैं वो ले लो, उन फोन्स के एडवर्टीजमेंट में आप हमेशा देखोगे कि प्राइस को सबसे पहले हाईलाइट करते हैं कि 10,000, 8,990, क्योंकि प्राइस ही उनका वैल्यू प्रोपोजिशन है कि वो बहुत सारे फीचर एक सस्ते प्राइस में दे रहे हैं, राइट। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरीके से किन खास कैरेक्टरिस्टिक्स को पोजिशन किया जाता है अपने ब्रांड की अवेयरनेस क्रिएट करने में। इन्हीं सारे एफर्ट्स को ब्रांड पोजिशनिंग कहते हैं। ये जानकारी अगर आपको काम की लगी तो आप इसको आगे भी पहुंचाइए, लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि और लोगों को भी इस तरीके के वीडियोस और जानकारी मिल सके। थैंक यू।